हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि गूगल पे में पेमेंट ट्रांसफ़र मोबाइल नंबर पे कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएंगे और आपका जो गूगल पे का आइकन है हम वहाँ पर जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपसे आपका पिन पूछेगा, 4 अंकों का। आप वो पिन डाल लीजिए और लॉगिन हो जाइए। पिन डालने के बाद स्क्रीन आपकी ऐसे खुलेगी। लॉगिन होने के बाद ये आप अपने गूगल पे के होम स्क्रीन पे आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए नीचे प्लस न्यू पेमेंट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो है फ़ोन नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है और फ़ोन नंबर के माध्यम से हम पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है जिसको आपको पेमेंट भेजना है, आप उनका मोबाइल नंबर डाल के क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर डालने से पहले दोस्तों एक चीज़ का ये ध्यान रखिए कि जिनको आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका भी गूगल पे अकाउंट होना चाहिए और जिस नंबर पे आप उनको पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर से वो गूगल पे अकाउंट लिंक होना चाहिए, तभी ये पेमेंट उनको मिल पाएगी, नहीं तो ये उनके अकाउंट में नहीं जा पाएगी। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये उनका एक अकाउंट खुल गया है। हमने इनको पहले भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर रखी है इसलिए आपको ऊपर 2 पेमेंट दिख रही होगी। अब हम इनको दोबारा से एक नई पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो नीचे आपको पे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको रुपीज़ डालना है, जितना पेमेंट आपको उसको ट्रांसफ़र करना है, और नीचे में कुछ मैटर डालना है कि किस पर्पज़ के लिए आप उसको ये पेमेंट दे रहे हैं। ये डालने के बाद आप जो एरो का निशान है उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने पेमेंट डाल दिया है और ये हम वाईफाई के लिए दे रहे हैं, वो ऑप्शन भी डाल दिया है। नीचे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू पे ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपसे आपका 4 डिजिट का पासवर्ड पूछ रहा है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय बनाया था। आप वो 4 डिजिट के अकाउंट का पासवर्ड लिख के और फिर क्लिक करेंगे। मोबाइल अगर आपसे लोकेशन की परमिशन मांगे या और कोई परमिशन मांगे तो उसको अप्लाई कर दीजिएगा। लीजिए हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है, उसका टिक का निशान आ गया है और डन के निशान पे क्लिक करेंगे फिर आगे जाएंगे। देखिए सक्सेसफुली 500 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं, आप ये नीचे देख सकते हैं। उसके बाद जहां नवंबर एरो का निशान है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी और नंबर वो सब डिटेल आ जाएगी। आप चाहें तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। देखिए नीचे शेयर रिसिप्ट है, यहाँ क्लिक करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो यही था प्रोसेस मोबाइल नंबर पे पेमेंट ट्रांसफ़र बाय गूगल पे।